जिस तरीके नाल आम आदमी पंजाब की सरकार पंजाब का पानी हरियाणे नूं देना चाहती है केजरीवाल के कहने, सुप्रीम कोर्ट के विच आम आदमी पार्टी के वकीलों के आर्गूमेंट तो ही पता लग गया कि पंजाब विच ना पानी है ना असी पानी साडा जिहड़ा हैगा देन देवांगे भावें साडियां जानां चले जाण। बादल साहब ने असैंबली च कहा सी भावें जानां जाणियां पैण पर साडी जिहड़ी जान है वह पानी है, पंजाब का पानी तो बगैर पंजाब कुछ नहीं है। अद्धे तो ज़्यादा पंजाब का पानी कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान नूं दित्ता, जिहड़ा अद्धा बचिया सी उहदा अद्धा हरियाणे नूं देता। साडे पानी चों जिन्ना पानी जदों देश आजाद होया जिन्ना पानी सी कल्ला 25% अपने कोले रह गया, बाकी सारा पानी अपना राजस्थान हरियाणे ते दिल्ली नूं दे दित्ता कांग्रेस पार्टी ने। पंजाब दी सरकार दे मकानां विच मंत्री दे मकान विच पंजाब दे आम आदमी पार्टी दे मंत्री दे मकान विच प्रेस कॉन्फ्रेंस हरियाणे दे आम आदमी पार्टी दी लीडरशिप ने सद्या ते उत्थे कहंदे आ कि पंजाब हरियाणे नूं पानी देना चाहीदा। वो SYL नहर दा पिछले दिन जो आपा देखिया सुप्रीम कोर्ट होया, जो करतूतां आम आदमी पार्टी की सरकार ने उत्थे कीतियां, जिस तरीके नाल आम आदमी पंजाब की सरकार पंजाब का पानी हरियाणे नूं देना चाहती है केजरीवाल के कहने, सुप्रीम कोर्ट के विच आम आदमी पार्टी के वकीलों के आर्गूमेंट तो ही पता लग गया। सारा पंजाब कहिंदा कि पंजाब विच ना पानी है ना असी पानी साडा जिहड़ा हैगा देन देवांगे भावें साडियां जानां चले जाण। साहब प्रकाश सिंह जी बादल साहब ने जदों इन्हां दी सरकार बनी 96-97 च उन्हां ने असैंबली विच एक्ट पास करके सारियां जिहड़ियां जमीनां सी अक्वायर कीतियां सी उह डी नोटिफाई करके किसानां नूं वापस दे दित्तियां ते 191 करोड़ का चेक हरियाणे नूं दे दित्ता कि अज दे बाद तुसीं साडे पंजाब दी धरती ते निगाह ना रखियो। उन्हां बादल साहब ने आ भी कहा सी मैनूं किसे वर्डिक्ट भावें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए या कितें भी फैसला आ जाए, बादल साहब ने असैंबली च कहा सी भावें जानां जाणियां पैण पर साडी जिहड़ी जान है वह पानी है, पंजाब का पानी तो बगैर पंजाब कुछ नहीं है ते असी किसे हालत पंजाब दा पानी असी नहीं देन देवांगे। आ क्लेयर कट स्टैंड श्रोमणी अकाली दल दरिया है। जे तुसी SYL मुद्दे दा इतिहास देखो, आ SYL 1976 विच जदों देश विच एमरजेंसी सी इंदिरा गांधी ने यूनिलैटरली अपने आप फैसला कर दिता जिथे हरियाणे नूं 3.5 जिहड़ा MAF पानी हरियाणे नूं देता। उदों सारे लीडर श्रोमणी अकाली दल दे अंदर सी, कांग्रेस दी सरकार सी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री सी, धक्के नाल इन्हां ने दे दित्ता फैसला। उहदे बाद जदों बादल साहब एमरजेंसी टुटी, बादल साहब आए, उन्होंने नाल दे नाल सुप्रीम कोर्ट विच उन्हें केस किया, पर इंदिरा गांधी ने उदों बादल साहब की सरकार साल डेढ़ साल तोड़ दिती ते उहदे बाद दरबारा सिंह नूं मुख्यमंत्री बनाया ते दरबारा सिंह तो वह केस वापस सुप्रीम कोर्ट तो वापस करा ले लिया ते अगले बाद उन्हें इंदिरा गांधी ने इत्थे आके धक्के नाल कांग्रेस पार्टी ने इत्थे कपूरी आके नींह पत्थर रखिया जदों दा उहदे बाद अकाली दल ने मोर्चा लाया। इस पानी दे मुद्दे ते सब तो वड्डे दोषी कांग्रेस पार्टी है जिन्हां ने पंजाब दा पानी खोया। अद्धे तो ज़्यादा पंजाब दा पानी कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान नूं दित्ता, जिहड़ा अद्धा बचिया सी उहदा अद्धा हरियाणे नूं देता। तुसी हैरान रह जाओ एड्डी वड्डी बेइंसाफी पंजाब दे लोकां नाल होई है। साडे पानी चों जिन्ना पानी जदों देश आजाद होया जिन्ना पानी सी
कला 25% अपने कोले रह गया है, बाकी सारा पानी अपना राजस्थान हरियाणा ते दिल्ली नू दे दिता कांग्रेस पार्टी ने, आ दे दिता है। आ कला श्रोमणी अकाली दल है जिहड़ा लड़ाई लड़के जिन्हां ने हरियाणा तो जिहड़ा जाना सी वह बचा लिया, नहीं तो जे कांग्रेस हुंदी इत्थे पानी उत्थे चले जाणदे। हुण आ गई आम आदमी पार्टी, केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है, वह चाहता पंजाब का पानी, केजरीवाल चाहता मैं हरियाणे च इलेक्शन आ गया जिता, उन्हूं पता है कि पंजाब तो मैं जित गया, मेरी सरकार बन गई है, उन्हूं आ भी पता है कि अगली बार किसे ने आम आदमी पार्टी नूं वोट नहीं पाउणी। हुण उहदा निगाह चल पई है राजस्थान विच ते हरियाणे विच, तुसीं देख लो आ जिहड़े वकील इन्होंने पेश कीते उत्थे, जदों तुहाडे सूबे का वकील ही मन जे कि असीं करना तो चाहुंदे हैं पर ओपोजिशन पार्टियां नहीं करन दिंदियां, ऐ नहीं कहा कि साडा थोड़ा कोई हक नहीं, असीं पानी नहीं देना कुछ मर्जी हो जाए, आ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जे ओपोजिशन पार्टियां सानू मदद करन असीं मिंटां च दे दांगे। ऐसा मुख्यमंत्री ऐसी सरकार जिहड़ा पंजाब नूं बर्बाद करन ते लगी है। दूजी वाल तुसीं हैरानी दी गल है, इन्हां दी नीयत तो पता लग जांदा है। कल ही देख लो तुसीं प्रेस वाले तुसीं सारे, इन्हां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सद्दी हरियाणे दे आम आदमी पार्टी दे लीडर ने, की कित्थे सद्दी सी, पंजाब दी सरकार दे मकानां विच, मंत्री दे मकान विच, पंजाब दे आम आदमी पार्टी दे मंत्री दे मकान विच प्रेस कॉन्फ्रेंस हरियाणे दे आम आदमी पार्टी दी लीडरशिप ने सद्दिया, ते उत्थे कहिंदे आ कि पंजाब हरियाणे नूं पानी देना चाहिदा है। आ की हो की रहा इन्हां दा? इस करके मैं भगवंत मान नूं ते केजरीवाल नूं मैं स्पष्ट लफ्ज़ां नाल कहना चाहुंदा, जो मर्जी तू बयान दिया सुप्रीम कोर्ट, जो मर्जी तू फैसला लिया, एक बूंद पंजाब दी बाहर नहीं जाऊगी। सारे पंजाबी, सारी पंत, सारे लोग पंजाब दे एक बूंद नहीं ले जान देंगे। तू जिन्ना मर्जी जोर ला ला, पर मैं तेनू इन्ना दसदा आ जड़ी करतूत है, इस करके पंजाब दे लोग तेनू सबक भी सिखाउणगे। ते असी गवर्नर साहब नूं अज कह के आए हैं कि आ मुख्यमंत्री रहन दे लायक नहीं भगवंत मान, जिहड़ा पंजाब दी दिल नूं कढ के बाहर देण नूं तैयार है, पंजाब नूं मारन ते लग्गिया। जिहड़ा मुख्यमंत्री पंजाब दा होए ते पंजाब नूं मारन लगे, वह मुख्यमंत्री रहन दे लायक नहीं, इहनूं इमीजिएटली डिसमिस किया जाए। ते श्रोमणी अकाली दल तरफों मैं स्पष्ट कहना चाहुंदा एज प्रेजिडेंट, जिवें साहब प्रकाश सिंह जी बादल ने ते श्रोमणी अकाली दल ने जेलां भर दित्तियां, हर हल्ला किया पर पानी नहीं जान दिता ते कनाल नहीं बन दिता। ते मैं अज फिर तो कहना चाहुंदा ना इत्थे कोई नहर बनूगी, ना कनाल बनूगा, ना पानी जाऊगा। आ सारे पंजाबियों की आवाज मैं थोनू अपने राही, मैं सारा नैशनल मीडिया राही, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नू भी दसना चाहना, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड इत्थे बीजेपी कुछ कहती है, उत्थे कुछ कहती है। तो स्पष्ट मैं कहना चाहना उन्हां नू कि कुछ मर्जी हो जाए, भावें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे स्टैंड ले ले, भावें कोर्ट तो आ जाए, पर पंजाब की जनता पानी नहीं जान दूगी। दूजी गल असी जिहड़ी गल कीती है, हर रोज तुसी खबर आउंदियां कि इलीगल माइनिंग पंजाब चलती है, इन्नी वड्डे पद्धर ते चल गई है। आ जिन्ने MLA इन्हां दे सारे MLA अपने आप ही लग गए, अपने उन्हां ने क्रेना खरीद लिया, डंपर खरीद ले, ते लोकां दीआं प्राइवेट जमीनां उत्ते कब्जे करके ਉਹ ਮਿੱਟੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ 1000 ਕਰੋੜ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2000 ਕਰੋੜ, ਕਿੰਨਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 20 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਫਿਸਰ SSP ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ MLA ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ SSP ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ
उथे गए शरेआम टीवी भी उथे सी कैमरे भी सी सारा ढांचा फड़िया करोड़ा रुपये का बिजनेस चला रहे सी सारा ठप किया की बयान आया एमएलए का कि तुम देख ली 24-48 घंटे मैं थोड़े तेरे एसएसपी साहब ना की करदा ते एसएसपी नू बदला दिता की किया बदला दी सरकार है इन्हां दा बदला की है कि नशे सिकरां ते पचाते इलीगल माइनिंग हर जिले च है। मैं तो गवर्नर साहब नू बेनती की है कि गवर्नर साहब सानू इस सरकार ते विश्वास नहीं है इस करके तुसी आप जाके देखो इलीगल माइनिंग किवें हो रही है तुसी आप जाके क्योंकि जे गवर्नर साहब ने चिट्ठी लिखी है असीं अखबार च पढ़िया कि तुसी एसएसपी नू क्यों बदलिया क्योंकि उन्हें एक चंगा काम किया इसलिए बदलिया इन्हें मैनू जिवें लगता जिवें अजे आ जिहड़ा मुख्यमंत्री है जे अजे जवाब दिंदा जवाब तो इन्हें देना नहीं सो मैं गवर्नर साहब नू रिक्वेस्ट करदा कि गवर्नर साहब जे थोनू मौका मिले तुसी आप फिजिकली जाके देखो किवें पंजाब दे विच इलीगल माइनिंग आप करा रही है किड्डे वड्डे पद्धर ते करा रही है ते किड्डा वड्डा नुकसान पंजाब दा आम आदमी पार्टी दी सरकार करा रही है। एक फोटोग्राफ थोनू रिलीज कर रहे हैं जी जे मेन किंग पिंग जो एमएलए दा ब्रदर इन लॉ है निशान सिंह वो एक दिन भी जेल नहीं गया ਉਹਨੂੰ VVIP ਫੈਸਿਲਿਟੀ 'ਚ ਅੰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਿਟਵੀਨ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ 21 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਐਵਰ ਰੈਡੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ SGPC ਇਕੱਲੀ ਹੈ ਜੀ ਇਕੱਲੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ आर द बिगेस्ट लिकर माफिया स्कैम जो किया उन्होंने दिल्ली में दे आर द मेन पीपल हु डिड द स्कैम इन दिल्ली एंड इन पंजाब जो पंजाब का लिकर स्कैम है वो दिल्ली के लिकर स्कैम से भी बड़ा है दिल्ली मॉडल और दिल्ली मॉडल से इम्प्रूव्ड मॉडल उनका जहां उनमें थोड़ी पैसे लेने की थोड़ी कमी थी सीख कर पंजाब में तो उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमने पार्लियामेंट में भी ये इशू उठाया था और हरसिमरत कौर बादल जी ने जब होम मिनिस्टर ने कहा कि आपको आप दरखास्त दें हमने होम मिनिस्टर को पूरी रिप्रेजेंटेशन भी दे दी है कि जैसे दिल्ली में ये स्कैम इनर्थ किया गया और ईडी या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है पंजाब का भी इन्वेस्टिगेशन किया जाए क्योंकि यहाँ कई 100 करोड़ का लेन देन केजरीवाल और भगवंत मान ने किया है ये ओपन एंड शट केस है। मुझे लगता है उतना टाइम जब दिल्ली में लगा है इससे आधा टाइम लगेगा आधा टाइम ही नहीं लगेगा यहाँ राघव चड्ढा केजरीवाल भगवंत मान ये सारा एक नेक्सस था